असलकुम बिसम ला रही आज हम आपसे सरसों का तेल साफ़ करने की रेसिपी शेयर करेंगे तेल हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया हुआ था पंद्रह मिनट से ये बिल्कुल लाइट आग के ऊपर पक रहा है और एक पेड़ा जिसको हमने थोड़ा सा चपटा करके इसमें डाल दिया तो देखे धुआँ नहीं उठ रहा लेकिन वो मसलसल पक रहा है उबाले खा रहा खूब और अब आप इसके ऊपर झाग आती हुई देखें यह तमाम झाग जो है अब ये ऊपर आएगी और ये जो पेड़ा है या आटा है इस झाग को आस्ता आस्ता अपने अंदर जज्ब कर लेगा जो कि इसकी सारी मैल और कसाफ़त है सरसों के आयल की तो इसे हम पकने देंगे आग नीचे मसलसल हल्की है जैसे जैसे इसकी गंदगी और कसाफत साफ़ होती जाएगी तो एंड के ऊपर पेड़ा ऊपर आ जाएगा जो निशानी होगी कि अब आपका ऑयल जो है ना वो साफ हो चुका हुआ है ये देखें जी माशाल्लाह से शुरू में कितनी झाग थी और अब इस वक्त कितनी झाग है ये तेल जो है मुसलसल साफ़ हो रहा है और इस वक्त देखें पेड़ा जो है या आटे की ये जो रोटी है ये ऊपर आ गई है इसका मतलब है कि अब कुछ ही देर में हमारा तेल जो है बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और इसे हम फिर खाने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे बग़ैर किसी परेशानी और घबराहट के कुकिंग ऑयल की नस्बत आपको पता है सरसों का तेल जो है वो बहुत महंगा है लेकिन इसके फ़ायदे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है ये नेचुरल है हम इसका साग भी खाते हैं और ये कुदरती है जिसमें कोई भी हमारे जिसम के लिए डेंजरस चीज़ नहीं है तो ये देखें जी अब हम इसे थोड़ा सा हिला रहे हैं पेड़े को और हमने इसको रोटी को उलट पलट दिया झाग देखें अब यह ख़त्म होने वाली है और मसलसल आप देख रहे हैं कि तेल में से धुआं नहीं उठ रहा तेल में से धुआं नहीं उठना चाहिए आग नीचे बिल्कुल मदम होनी चाहिए जैसे कि हम चावलों को दम लगाते हैं बल्कि उससे भी थोड़ी कम ही होनी चाहिए तेल में से बिल्कुल भी धुआं नहीं उठना चाहिए तो आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें थैंक्स वाचिंग वॉचिंग हाफिज